नरसिंहपुर जिले में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को वर्जित किया गया है। उन्होंने बताया कि गर्मी को देखते हुए मंडी स्थल पर अतिरिक्त शेड का निर्माण किया गया है, साथ ही कूलर और शीतल पेय इत्यादि की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, उसके पहले तृतीय और अंतिम रैंडमाइजेशन मतगणना स्थल पर भी संपन्न कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 4 जून को लोकसभा जो हमारे निर्वाचन संपन्न हुए हैं उनकी मतगणना प्रारंभ मतगणना होनी है, जो सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। ECI के निर्देश अनुरूप वहां पे 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसमें आंतरिक लेयर CAPF की, उसके बाद द्वितीय लेयर जो होती है वो SAF की, और सबसे आउटर लेयर जो होती है वो पुलिस की होती है, लोकल पुलिस की। तो उन व्यवस्थाओं को एज़ पर ECI इंस्ट्रक्शन हम लोगों के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। SP साहब द्वारा भी उसका प्लान बना लिया गया है, तो इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि ID कार्ड के साथ ही जो हमारे काउंटिंग के ऑफिशियल्स हैं उनको भी, साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को भी, और जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो एजेंट्स होते हैं उनका भी, जैसे ही हमें फॉर्म प्राप्त होता है उनको ID के साथ ही अंदर एंटर करने के लिए दिया जाएगा।